अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पोस्ट सर्जरी कुछ अपडेट्स हैं, आपको अपडेट देता हूं। जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी, के लिए मैं बताता चलूं कि मेरी एक आदत सर्जरी हुई थी, वो थी हर्निया की सर्जरी। अम्बिलिकल हर्निया था, तो उसके बाद ये बैंड दे दिया, ये इसको कोई एब्डोमिनल समथिंग बोलते हैं, तो ये बिल्कुल टाइट करके बांधना होता है। पिछले कोई 10-15 दिन से हम ये बांध रहे हैं, कंफर्टेबल नहीं है, अनकंफर्टेबल है, लेकिन चलें, जब तक गारमेंट है तब तक जरा पहनना जरूरी है, तो तब तक पहनेंगे। तो ये फिलहाल 4 से 6 हफ्ते, तो 4 से 6 हफ्ते पहनना पड़ेगा। हालत जरा वैसे मैंने नोटिस किया कि थोड़ी अनटाइडी हो रही है, का सहारा लिया जाए। ये कदर ट्रिमर होते हैं, इसको ट्रिमर बोलते हैं, इसका सहारा हमने काफी दिनों से लिया नहीं, तो अब जरा टाइम आ गया है। ये जो थोड़ा अनटाइडीनेस है, इसको जरा टाइडी किया जाए, जरा चेहरे को जरा प्रेजेंटेबल बनाया जाए। ये हमें कुछ दिन में दौरा चढ़ता है कि अपने आप को जरा बेहतर करते हैं। इंशाल्लाह जब हम बिल्कुल हील हो जाएंगे फिर तो हम रेगुलरली करेंगे जो हम पहले करते थे, लेकिन अभी जरा कल थोड़ा कम होता है, तो आज है भाई साहब ट्रिमिंग डे। जब भी मैं ट्रिम करता हूँ ना, तो ये 3 नंबर में मैं करता हूँ, ये बहुत कम हो जाती है। हमें तो अच्छी लगती है, लेकिन हमारे घर वाले बोलते हैं छिला हुआ मुर्गा लग रहे हो, तो हम आज जरा डबल करते हैं इसको 6। इतनी ज्यादा वैसे लग नहीं रही, मुझे तो पता भी नहीं कि ये 6 नंबर से जाएगी भी कि नहीं। तो इसमें तो टर्बो का बटन भी है, ये हमने ट्रिमर नया लिया था, तो ये देखिए स्पीड बढ़ गई, तो देखते हैं। हाँ जी, मुझे नहीं लगता कि 6 नंबर से कुछ होने वाला है, 5 पे ले जाते हैं। ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा बेहतर है। इसे जरा हम प्रेप करते हैं, जरा ट्रिम करेंगे, इसके बाद हम इसका सहारा लेंगे और अपनी दाढ़ी को फुल नीट करेंगे। ये जो लाइन होती है ना, ये वाली लाइन ये फुल नीट होनी चाहिए। गाइस, दाढ़ी ट्रिम करने के बाद ना कुछ ऐसा हाल हो जाता है, तो ये प्रॉपर सर्विस करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको, प्रॉपर साफ करेंगे भाई। गाइस, मैं दांत ही ब्रश कर रहा था, तो सोचा एक पब्लिक सर्विस मैसेज दे दूं आपको। ये वाला ना एक टूथपेस्ट हमारा पड़ा हुआ है, ठीक है, फुल है। ये अभी मैंने खोला थोड़ी देर पहले, फिर भी नजर पड़ी इस टूथपेस्ट पे। अब इसके अंदर 2-3 दिन का है, इस पे मैं ऐसा बेलन मार मार के इसको निकालूंगा, और जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक मैं वो वाला नहीं यूज करूंगा। तो अगर आप भी इसको फेंकने वाले हो ना इस तरह के, तो प्लीज फेंकिएगा मत, इसमें जरा ऐसे निचोड़ के इसमें से निकल जाएगा, ये पैसे हलाल करें। जगह बड़े मजे की एक बात बताता हूँ, मैंने ना एक वीडियो लगाई, उसके अंदर मैं जरा बता रहा था कि भाई हमारा स्किन केयर ब्रांड है, ये है वो है, इस तरह की हम जरा बातें कर रहे थे, हिप हिप सी। तो हुआ क्या, उसके अंदर मैंने नोटिस किया कि कुछ आगे ट्रोल्स। अब उन ट्रोल्स ने कोशिश की मुझे ट्रोल करने की, लेकिन हम ट्रोल होने वाले हैं नहीं। मेरी शक्ल देखें, आपको लगता है मैं ट्रोल होने वाला? तो उन्होंने हमें बोला कि भाई स्किन केयर ब्रांड तुम्हारा है, तुम्हारी बेगम का है, अपनी शक्ल तो पहले ठीक कर लो। मैंने कहा जरा वजाहत करते चले, हम आए थे थाईलैंड से, मलेशिया से, वहां पे पटाखेदार धूप होती है, तो हम हो गए भाई सनबर्न। आसान अल्फाज में अगर सनबर्न समझाऊं तो भाई हम काले हो गए। हमने बोला इसको ठीक करते हैं, इतनी देर में हमारी सर्जरी लाइन हो गई। अब मरीज बंदे की जान लोगे क्या? आज से सही करेंगे भाई। हमारी बेगम ने हमें बताया था कि भाई अगर रंग साफ करना है, जरा ग्लोई ग्लोई स्किन चाहिए, कोई नहीं बट अगर ब्राइट स्किन चाहिए, मतलब सही लफ्ज भी यूज करना बड़ा जरूरी होता है। तो ये हमारा ब्लिसफुल का विटामिन सी सीरम है, वीडियो में उल्टा नजर आता है, इसके ऊपर ब्राइटनिंग सीरम भी लिखा हुआ है, सही प्रोटोकॉल बताई हुई है, ठीक है। तो बेगम तो है नहीं घर पे, तो हमने बोला हम खुद ही लगा लेते हैं, ड्रॉप पर टच होना नहीं चाहिए। तो ये दो यहाँ पे। अच्छा भाई साहब, हम हैं मर्द, तो हम दोनों हाथों से बस यूं करते हैं, ठीक है, और ऊपर नहीं लगाया, ऊपर भी रह गए, तो फेस को कवर करना है, एंड ऐसे ये हो गया, ये होगी भाई स्किन केयर। मॉइस्चराइजर लगाना है, कोई भी सीरम लगाएं, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो भाई हमें भी पता लग गए, वो बताते हैं। तो कुछ सीरम्स, एक्चुअली सारे सीरम्स की कुछ प्रोटोकॉल्स होती हैं। विटामिन सी की हमारी बेगम ने हमें बताया है कि इसकी एफिकेसी इतनी ज्यादा नहीं होगी अगर आप साथ सनस्क्रीन नहीं यूज करेंगे। तो विटामिन सी के साथ सनस्क्रीन दिन में कोई भी आप अगर लगा रहे हैं, मॉइस्चराइजर इसके बाद लाजमी लगाना। सबसे पहले आपका सीरम, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, ये दिन में, ठीक है, रात में आपने मॉइस्चराइजर क्या करता है, अब एक चीज है उसको जज्ब करने के लिए मैंने सीखा है, उसको लॉक कर देता है, ठीक है। आपने सीरम लगाया, मॉइस्चराइजर लॉक, ठीक है। ये तो उसी तरीके से हम अपना मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं। कन्फेशन दूं, मुझे मॉइस्चराइजर लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ठीक है, उसकी वजह यह है कि कभी आदत भी नहीं रही, ठीक है। तो और हम जरा थोड़ा देसी तरीके से लगाते हैं, यूं करके बस शक्ल वैसा कर लिया। छोटा सा स्टेप है यार, आदमी हो नहीं हो, आपका जेंडर मैटर नहीं करता, जेंडर न्यूट्रल होती है स्किन केयर, कुछ देसी तरीका होता है, ठीक है। भाई ने आपको मोटे मोटे अल्फाज में समझा दिया,
बड़े ही सिंपल अल्फाज में जिससे मुझे समझ आती है, ठीक है, मुझे 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 एग्जाम्पल दे के समझ आती है। मतलब एग्जाम्पल ना दी जाए तो मैं चीज़ नहीं समझता। तो उसी तरीके से हम सेट हैं। यो गाइस, सेंट ऑफ द डे है ये वाली, ये है रेप्लिका का बाय द फायरप्लेस। ये अनिया के साइड पे पड़ा होता है क्योंकि ये हमारा परफ्यूम है, ये इस परफ्यूम को हम शेयर करते हैं। ये है एक न्यूट्रल परफ्यूम, मतलब हमारे बाकी भी यूनिसेक्स परफ्यूम्स हैं, लेकिन वाला जो ये जो परफ्यूम है ना, ये हमने डिसाइड किया कि हमारा है। तो इंस्टेड के बीच में पड़ा रहे, अनिया बोलते कि मेरी कलेक्शन थोड़ी ज़्यादा लगेगी, तो हमने कहा चले इसको यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन आज इसी की पारी है। तो फिर एंड एज द नेम सजेस्ट्स, बाय द फायरप्लेस, मतलब लकड़ियों की स्मेल आती है। गाइस आपको एक बड़ा मजे की चीज दिखाते हैं। आज हमें लंच इन बेड मिला, हम खा रहे थे एंड ट्रे में हमें ऐसे सजा के मिला गया। इसमें से दो लेग पीस। मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे ना बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही है कि यार मैं इतना भूखा हूँ कि मुझे और बोटियाँ चाहिए। तो मैंने थोड़ी आवाज़ दी, मैंने कहा थोड़ी और बोटी मिलेगी। तो फिर अम्मा छोटी सी प्लेट में लेके आई थी हमारे लिए बोटी, और हमारी दो की चार हो गई। छोटी सी प्लेट में बड़ी बड़ी बोटियाँ, खाओ पेट भर के। सही है, हमारा हो गया गाइस लंच डिनर सफर जो मर्जी बोल लें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सारा खाना खा लिया। देखो माँ का दिल कितना खुश होता है। मजे का था ना, मजे का तो हर वक्त होता है। गाइस देखिए, हम हैं थोड़े ऑफ डाइट जब से हमारी सर्जरी हुई है। हमने सोचा बेगम वापस आ जाएं, हमारी तबीयत ठीक हो जाए, हम जरा एक्टिविटी लेवल में वापस आ जाएं, फिर आराम से अपनी डाइट पे भी वापस जाएंगे। तब तक जो घर में बन रहा है हम वो खा रहे हैं। तो ये किसके लिए बैठ जा रहे हैं? के लिए। मैं तो खुश हूँ कि मेरे बच्चे जब प्लेट फिनिश करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी होती है। वैसे तो रात के 12 बजे हमारे घर कोई सच सोता नहीं है, लेकिन इतना कोई अंधेरा किया हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं रात के 3 बज रहे हैं। और ये ऐसे फिर रही हैं, अरे क्या करी तुम, क्या करी, क्या करी, चलो जाओ 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 जाओ। छत पे मेरे साथ गई है कपड़े उतारने। इतनी पूछी कैट, हाँ इतनी प्यारी लग रही थी कि बस कह रही थी खेलने खेलने दो, और मेरा भी दिल चाह रहा था इसको ना रोकूं, पर फिर डर भी लग रहा था। अम्मा मुझे डर लगता है ग्रिल व्रिल से गिर ना जाए। जगह जगह छुप रही है, छुप रही इधर छुप रही उधर छुप रही, इतनी प्यारी लग रही थी खेल करते हुए। मम्बलिया और ना मैंने जल्दी से एक दफा मुंह से मेरे निकल गया मम्बलिया, तो अनिया ने अनिया को लगा कि मैंने कहा है कि मोहम्मद इलियास, कहेंगी कौन मोहम्मद इलियास। अब इसका नाम मोहम्मद इलियास भी है। हमने इसके पता नहीं को 50-60 नाम रखे हुए हैं। बीकन हाउस दिखाया, बीकन हाउस गाइस ये अंदर बीकन हाउस बना है मम्मी का यहाँ पे, जिसमें मम्मी नहीं सोती है। माँ कहाँ सोती है पूछो, अम्मा से सोती है, सोती है हाँ। आज इन पे दम भी हुआ है, क्यों तबीयत खराब है? वो बच्चे आए ना तो इन्होंने गुस्से से किया उनके ऊपर, मूड खराब था भाई, मूड बड़ा ऑफ था। फिर उनकी नानों ने आके भी इसमें हाउस में सो रही थी अपने, उसमें जाके उनको उन पे दम किया तो मूड अच्छा हो गया, सबके साथ आके बैठ गए। चलें इसको इसको पूसी कैट को डालते हैं। चली गई, ये देखो खेलो से खेलो से खेलो खेलती है। आपस की बातें कुछ ज्यादा ही होता रहता है, एंड प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ ही इसके अराउंड घूमती रहती है। सो समटाइम्स यू हैव टू मेक योर लाइफ वर्क अराउंड इट। जाहिर सी बात है जो जिंदगी में हो रहा है तब आप चेंज तो कर नहीं सकते, अगर हो रहा है तो हो रहा है, आप ये तो उसमें खुश रहना सीखें, एडजस्ट करना सीखें। बात करूँ बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाइंग की, हमारी बेगम गई थी यूके भाई, चलता रहता है यूके कराची इस्लामाबाद लाहौर, ये हमारा बहुत ज़्यादा बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है। तो हमारी बेगम आ जा रही है वापस। फूल हम लेके आए थे तो हम व्लॉग करना भूल गए, हम आपको दिखाने भूल गए। हम कभी कभी ना व्लॉग करना भूल जाते हैं, हम कुछ करके आते हैं। पहले तो हर वक्त फ़ोन ऐसे मैंने पकड़ा होता था, एक कैमरा मैंने ऐसे पकड़ा होता था, हेलो गाइस ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, फूल ले रहे हैं, और ये देखें ये अब भूल जाता हूँ यार। अब मैं फूल लेने गया, प्रॉपर सारा प्रोसेस वही, सिर्फ फर्क ये था कि कैमरा मेरे हाथ में नहीं था और मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा था। बाद में घर आके याद आया, ओ रिकॉर्ड करना तो भूल ही गया, मैं व्लॉग बना रहा था। फूल हम ले आए हैं, ये सारे ही क्रिसेंथेमम है, वाइट दो, पर्पल दो, लाइट पिंक। बेबी ब्रेथ डालने थे लेकिन बेबी ब्रेथ मार्केट में शॉर्ट है, तो जो मिला फिर हमने वो कर लिया। इसके अलावा हमें फूलों के नाम आते नहीं है, क्योंकि बेगम आ रही है तो इसको हम यहाँ पे सजाते हैं। इस तरह रखते हैं वैसे, नहीं कैसे रखें यार समझ नहीं आती, तो हाँ नहीं
ऐसे रखते हैं, जरा फैंसी लगता है। लैपटॉप जरा उठा के यहाँ रख दें, ये भी वैसे कोई रखने की जगह है नहीं, लेकिन चलें इसको थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। यहाँ अब थोड़ा बेहतर है, पशु पर जरा फेंक के, बाकी तो सही लग रहा है वैसे मेरे हिसाब से, बाकी पता नहीं। गाइस हनिया की फ्लाइट लैंड होने वाली है, 20 मिनट है, इमिग्रेशन वगैरह से भी जल्दी निकल जाएगी होपफुली, तो चलते हैं उसको जरा लेने। ऊपर से सीटियाँ मार रहा है ब्रोनो, इसका तरीका होता है बोलने का कि मुझे अंदर करो, मुझे ये आवाज़ आई आपको, मुझे टेरेस पे अकेला को छोड़ा हुआ है, तो जरा लेके आते हैं। Look who's here, finally. और ये क्या लेके आई हो, ये छोटा सा पिद्दू सा बैग यार, ये मम्मा के पास। गाइस ये देखें, ये मेरा बाजू है, ये देखें कितना सा बैग है, ये साइज मम्मा के पास पड़ा हुआ था, और फिर उसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा उसमें सामान शिफ्ट कर दिया, मेरा 5 kg ओवरवेट हो रहा था। गाइस ये जब जाती ना तो ये वापस आने का नाम नहीं लेती। जी आई वेंट फॉर 9 days, the 10th day मुझे ऐसे लग रहा है कि महीना हो गया है, और वो जो मेरे व्यूअर थे ना उनको लग रहा है कि 3 महीने हो गए। जिस जिसको बताया उसको यकीन नहीं आ रहा कि मैं यूके एक हफ्ते के लिए गई हूं। इतनी प्यारी हो के कैसे आई हो, इतनी मोटी हो के आई हूं, प्यारी कहां हो के आई हूं। मैं तुमने लव्स पे फोकस नहीं किया, मैंने क्या बोला, मैंने प्यारी बोला तो मैंने मोटापे के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं। तो मोटी भी तो हो के आई हूं ना, लेकिन प्यार मैं तो प्यारी पे फोकस कर रहा हूं। मिस नहीं किया मुझे, फिर तो वापस आई हूँ इतनी जल्दी जल्दी, सब मुझे बोल रहे थे रुक जाओ। आपकी फेवरेट जो अनिया है ना, वो कोई डिजाइनर बैग उठा के ले आई है। ये देखिए, ये कोई क्रिश्चियन डियोर लग रहा है मुझे दोबारा, कोई डिजाइनर भाई ड्यूटी फ्री, ये नहीं वो जो सड़ा हुआ क्रिश्चियन डियोर का बैग है नहीं, वही लग रहा है मुझे। ड्यूटी फ्री का थैला है, जोहर मुराद क्यों लिखा, मुझे क्या पता होगा कोई। अच्छा सही से बताओ, ये डियोर श्योर नहीं है, तो ये लग क्यों रहा है? अगर होता डियोर तो उस पे लिखा हुआ ना होता, तो इस पे जोहर मुराद लिखा है, कोई होगा कोई इनकी कलेक्शन वलेक्शन, फैशन ट्रस्ट अरेबिया। और वैसे इतना गाइस जो सड़ा हुआ क्रिश्चियन डियोर का बैग मिलता है थैले वाला, वो ऐसा ही होता है वैसे। ये ना आपको एयरपोर्ट पे सही से दिखा नहीं सके, ये जरा ये खींच कर, अच्छा नॉर्मल हैंड कैरी निकालो, वो दूसरे वाला निकालो, ताकि कंपेरिजन हम अपने गाइस को दिखाएं कि कितना कंपैरिजन बनता है। तो गाइस ये है एक नॉर्मल स्टैंडर्ड, ये खैर एक्सपैंड बहुत किया हुआ है, लेकिन ये साइज और ये छोटा सा वाइड किया है, इसलिए पता नहीं चल रहा है, इसको वन पे करके दिखा। अच्छा ओके, ये आसमान जमीन का, वैसे इसका तो कुछ तुक मुझे समझ में नहीं आता, ये लेने तुम्हें पता है कितना केजी मैंने कम किया इससे, 5 किलो डाले इसमें मैंने, तो ये एयरपोर्ट पे लिया नहीं, मम्मा के पास कोई पुराना पड़ा था, मम्मा ने अमेज़न से मंगवाया था, उनको साइज नहीं, पुराना लग तो नहीं रहा है, तो नया लग रहा है। हाँ तो उन पैक के पड़ा हुआ था, शी थॉट इट वाज अ कैबिन, और फिर ये आ गया, होलसेल में बैग्स खरीदे, शी नेवर नेवर रिटर्न्ड इट। ये तुम्हें कैबिन में को पता पूछा हुआ है, जनिया से मिल रहे हैं ना, मुझे लग रहा है डॉगीज आए, मुझे पहले लग रहा था हवा चल रही है, बट डॉगीज हैं। जी डॉगीज आए, ये यार ये मुझे वो लग रहा है, हाँ वो मामा डॉगी दूसरी वाली का बेबी, ये मामा डॉगी जनिया की फेवरेट। इनको हम जैसे प्यार करते हैं, ऊपर से हमारा पीस जो है वो बोल पड़ता है, मामा डॉगी आ रहा है, खाना खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, इतना खुश तो मुझे देख के नहीं होती। हो गया पोजेसिव, और ये भौंकना शुरू हो गया, इसका खत्म नहीं हो रहा, बस कर दो भाई बस कर दे। ये गाइस ये खाना डल गया, क्या है क्या चाहिए। अच्छा इस पे आजकल ब्रूनो बड़ा गुस्सा करना शुरू हो गया, क्या हो गया भाई क्या हो गया, ऐसे हजम नहीं हो रहा कि अभी अनिया आई है और कैसे दूसरे कुत्तों को प्यार कर लिया। चले हो गया, अब उसको भी कर लो, मैं इंपोर्टेड वाली लाई हूं मेरी जान, कौन आ गया है, थी तुम कितनी जल्दी से तो आ गई है, मुझे लग रहा है ब्रूनो दरवाजा तोड़ देगा। बोले तो पिंड में आई हो, किसी के ऊपर से देखा है? हाँ नहीं, इसलिए तो दरवाजे पीट रहे। ये इसकी अनिया, ये एक बाइट में तोड़ देगा वो, थोड़ी कोई बड़ी दे दो, थोड़ी देर चल तो जाए, थोड़ी कट्टी है। हाँ ये दे दो, ये थोड़ा लगा रहेगा वरना दरवाजा तोड़ देगा। टाइम से बहुत पहले पहुंचा भी नहीं था मैं, बाहर भी आ गई, मुझे बोला था 140 पे लैंड करूंगी, और वो फ्लाइट पे लिखा हुआ है 140, और 140 पे एयरपोर्ट के बाहर खड़ी हुई है। ये ना ब्रूनो तबाही मचा रहा है, और अब ये देख के अनिया से मिल के तो कुछ अलग ही तबाही मचाएगा। अंदर का सारा मिल रहा था,
पीछे गिर गया। कुछ नहीं होता इसको ट्रीट चाहिए। मिल तो लो जो लेके आए। गैरत। शाबाश। देखिए हमारे भाई डॉगीज खाना खा रहे हैं। वो ज्यादा वफादार हैं। ये देखो इसको इसको तो ये चाहिए। ये रोमियो भी आ गया। अब रोनो का वो नया एनिमी बन गया। सॉक्स उसको दो ताकि वो खाए। हाँ ये देखो ये शक्ल देखिए। माशाल्लाह कितने कुत्ते खाना खाते हैं। ये हमारे कांस्टेंट है। ये जो चार पांच आते हैं जो आपको नजर आते हैं ना ये कांस्टेंट है। एक और हैप्पी वो गली के एंड पे रहता है। सॉक्स रोमियो बेबी नहीं हैप्पी है। अच्छा वो सॉक्स इसलिए क्योंकि उसके जो पैर हैं वो वाइट हैं। ये रोमियो क्योंकि ये बड़ा प्यारा है और ऐसा हमें ऐसा लगता है कि ये जरा थोड़ा वो है फ्लैम्बोयंट टाइप की इसकी पर्सनैलिटी है। ये मामा डॉगी है। ये मुझे ऐसा लगता है इसको ब्रूनो बहुत पसंद है। वो आई थिंक मामा डॉगी का बेबी है। हमें भी शोर नहीं है। एक हैप्पी डॉग है वो आप लोगों ने बहुत पुरानी वीडियोस में भी देखा होगा। कहाँ पे वो फीमेल पैची है। हाँ ना पीटा पैची। वो देखो लग गया उसका जो मलैदा गिरा ना पीछे। मजे आ रहे हैं उसको गाइस। अगर आप अम्मा को जानते हैं ना तो आपको पता होगा कि अम्मा को छोटे छोटे बर्तन छोटी छोटी चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं। तो ये जो छोटा सा बेबी बैग है ना ये अम्मा को बड़ा प्यारा लग रहा है। मुझे लग रहा है अम्मा अपनी नेक्स्ट ट्रिप पे ना ये क्या है कॉफी। ये क्या तुम इतने ज्यादा पॉट्स क्यों लेके आई हो यार। मेरा स्टॉक खत्म होने कहां खत्म हुआ है। दो दो डब्बे पड़े हुए थे सबके। ये कितने टाइम का स्टॉक है। चार पांच महीने का तो है। ये पूरा नहीं है। ये पूरा नहीं है। यार एक नए धड़कन नाम है उनका। बहुत मजे के हैं। मैं अपनी हैंड पंप से बनाती थी रोज कॉफी वहाँ पे। याद आई तुम्हें अपनी मशीनें। अब यहाँ क्या आएगा। गिफ्ट लिया इसका। मेरे तो इस बैग पे दिल आ गया छोटा सा नन्ना सा। ये वाला है। अगली ट्रिप पे ले जाना ना। इसमें आएगा क्या वैसे। आ जाएगा दो तीन आ जाएंगे। मेरी जेब में चार सूट तो आ जाएंगे। एक चीज थी जो आपको दिखाई नहीं सोचा आज जरा ख्याल आया कि आपको दिखा दी जाए। कुछ दिनों पहले ना वैलेंटाइंस डे गुजरा था। वैलेंटाइंस पे ना तोहफे तहाइफ वगैरह होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं। मुझे तो कोई तोहफा तहाइफ नहीं मिला। आप थी नहीं यहाँ पे तो तुमने नहीं थे वहाँ पे। तो खैर हमें तो मिला। हमने कहा हम आपको दिखा दें हमारा तोहफा हमारी बेगम लेके आई। अब हम काफी दिनों से अपनी नजरें तो टिकाए बैठे थे उसके ऊपर लेकिन यार वो ना प्री ऑर्डर भी चलते हैं। अब जैसे रोल्स रॉयस आप ऑर्डर करने जाएं अलबत्ता तो ऑर्डर तो कोई नहीं करने जाता इस तरह लेकिन छः महीने लगते हैं उसको बनने में। उसी तरीके से एक चीज़ है उसकी आपको डेट मिलती है 3 महीने बाद की। किस्मत से सरप्राइजिंगली जल्दी टाइमली मिल गया। पता नहीं कैसे गया ये मुझे समझ नहीं आई। मैं ऑर्डर करने वाला था मत में लिखा था वो है गाइस ये छुटकू सा है एक कॉफी ग्राइंडर। अब ये एक मामूली कॉफी ग्राइंडर नहीं है। इसकी गेम समझाता हूँ। ये है मेरी एस्प्रेसो मशीन। इसके अंदर ऑलरेडी ग्राइंडर लगा हुआ है। तो अगर एक ग्राइंडर लगा हुआ है तो दूसरे ग्राइंडर की जरूरत क्या है अभी बताता हूँ। जो भी है आपको कॉफी का शौक नहीं है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इससे भी निकालें अच्छी निकलती है लेकिन जो गेम इसकी है ना पर्सनल यूज के लिए बहुत ही नेक्स्ट लेवल किस्म का ग्राइंडर। और ये इतना खूबसूरत है ये इंटरनेट पे वायरल हुआ था और उसकी वजह ये है इसकी लुक्स। ये इतना को खूबसूरत इसको नीश इसको बोलते हैं। एंड ऐसे इसको टिंग करें ना तो चल जाता है। ऐसे ऐसे आप इसको खोलते हैं इसमें कॉफी डालते हैं यहाँ से कॉफी निकलती है वोटा फिल्टर में आप डालते हैं फिर इसमें कॉफी बनाते हैं। तो जो कॉफ़ी के शदाई हैं जो समझते हैं कॉफ़ी को वो समझेंगे कि भाई ने क्यों लिया। लेकिन मतलब भाई ने थोड़ी ली है आपकी भाभी ने ला के दी। बाकी लोग नहीं समझेंगे लेकिन आप इनको इम्पोर्टेंस समझाएं जरा। इम्पोर्टेंस ये कि मेरे हस्बैंड थोड़े से कॉफ़ी ऑब्सेस्ड हैं। नहीं आपको किसने बोला था लाने का वैसे। किसी ने नहीं बोला था। तो आपको कैसे ख्याल आया भाई। आई वॉन्टेड टू गेट यू समथिंग बिकॉज एक तो वैलेंटाइंस डे तो बहाना ही था थोड़ा बट मुझे जिस तरह से मैं आपको छोड़ के गई थी उस पर बहुत गिल्ट हो रहा था प्यार भी आ रहा था बीमार तकलीफ में। सो आई वांटेड टू गेट यू समथिंग एंड देन मैंने सोचा कि ये लेती हूँ। फिर मेरे दिमाग में आया कि यू सेड कि उसको प्री ऑर्डर करना पड़ता है ये वो तो हाँ, मुझे तो लगा था 3 महीने बाद मिलता है। रिसर्च करना शुरू हो गई कि मैं और कौन से अच्छे होते हैं तो मैंने कोई 10-12 सोचे। फिर मैंने सोचा कि यार इतनी महंगी चीज ले रही हूँ पूछे बगैर ले लूँ पसंद भी ना हो काम भी ना आए तो क्या फायदा। फिर मैंने बता दिया फिर मैंने नीश वालों को ईमेल किया कि मुझे कितना जल्दी मिल सकता। ये काम नहीं मेरे से हुआ। अगर मैं पहले ईमेल कर लेता ना तो मुझे पता लग जाता लेकिन
ऐसे मतलब मिलना तो था लेकिन इस रास्ते ऐसे होके मिलना था। उन्होंने बोला कि आप अभी ऑर्डर कर दें तो कल तक परसों तक आपको मिल जाएगा। तुमने खोला था वैसे? मैंने खोल के शक्ल देखी थी उसकी, कितना प्यारा है। और जब वो पुड़ होती है ना कॉफी तो बहुत ही प्यारी। चला के नहीं दिखाया यार, मैंने भी खाली चला के दिखाना। गाइस मैंने इसमें कॉफी बनाई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि व्लॉग बना, मतलब जिस दिन व्लॉग बन रहा होता है ना उस दिन भूल जाता हूं कि व्लॉग बन रहा है। तो क्या हुआ इसको पता नहीं क्या हुआ। तो जिस दिन व्लॉग बन रहा होता है उस दिन हम भूल जाते हैं कि व्लॉग बन रहा है, तो फिर रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। लेकिन आने वाली सारी वीडियोज में आपको इसका जादू नजर आएगा। और ये आता है व्हाइट और ब्लैक में और इतना कोई इंतहा खूबसूरत लग रहा है। ये खैर आप लोग ही बताइएगा हमें कॉमेंट्स में कि आपको कैसा लग रहा है। हमारा तो दिल आ गया भाई। यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, आपको बताते हैं। यहाँ पे मेरी मशीन थी, यहाँ पे ये वाली पड़ी हुई थी और ये यहाँ पे पड़ी हुई थी। यहाँ पे होता था हमारा एक अदर टैंपिंग स्टेशन, क्योंकि वी रन आउट ऑफ स्पेस तो हमने वो अब रख लिया है यहाँ पे। ये डाइनिंग टेबल में किन्नू शिन्नू के साथ ये हमारी कॉफी वेसल्स वगैरह पड़ी है। तो यहाँ पे ये अब टॉकआउट, ये टैंपिंग स्टेशन है। जी 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 क्या हुआ है। यहाँ पे अब हमारी कॉफी टैंप होगी, इसका भी कुछ जुगाड़ लगाएंगे। लेकिन अभी हमने 6 महीने के अंदर ही अपनी कॉफी टेबल चेंज की थी तो सेंस नहीं बनती, थोड़ा फूलिश लग रहा है। तो हमने बोला चेंज करेंगे लेकिन अभी नहीं। तो बस यूं ही ख्याल आया कि आपको अपनी नई कॉफी मशीन से मिलाया जाए। एवरी सिंगल टाइम आई फॉल इन लव विद माई सेटअप। अब कुछ और ज्यादा हो रहा है, ये पीछे क्यों मामा करिए। अब हम और अपने कॉफी के इश्क में डूबते जा रहे हैं। हमने सोचा आज की वीडियो खत्म करते करते आपको जरा दिखाया जाए। तो आज की वीडियो हम खत्म करते हैं यहीं। आपसे मुलाकात होती है कल एक नई वीडियो में, एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।